हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज आफरीन अथर आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आज मैं आपको जो लेक्चर दे रही हूँ वो दे रही हूँ माइंडफुलनेस इन इमोशनल साइकोलॉजी माइंडफुलनेस क्या होती है कि बीइंग इन अ प्रेजेंट प्रेजेंट ओरिएंटेड जितना बंदा होगा उसका उतना ज़्यादा माइंडफुलनेस के लेवल जो होगा वो हाई होगा अब हाउ माइंडफुलनेस कैन बी अचीव्ड क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं माइंडफुलनेस इट क्या होता है और उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी इस लेक्चर में ज्यादातर जो आपको रूट रूट्स मिलेंगी वो बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट में मिलेंगी आपको जो कि आपको हेल्प करेंगी कि व्हाट इज मेडिटेशन और हेल्पफुल टेक्निक्स प्रेजेंट ओरिएंटेड आपने कैसे रहना है बुद्धा का एक सेंग uh, मैं आपके साथ शेयर करूंगी थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स कैन बी लाइटेड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल एंड द लाइफ ऑफ द कैंडल विल नॉट बी शॉर्टन हैपीनेस नवर डिक्रीजेज बाई बी हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारे अंदर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है हम वो आगे तक ना पहुँचाएँ अगर हम उस नॉलेज को आगे नहीं पहुंचाएंगे तो उससे वो नॉलेज इंफॉर्मेशन आप तक रह जाएगी और उससे ना आपको कोई फ़ायदा है और ना ही कोई सोसाइटी को फ़ायदा है इस्लामिक परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो हजू पाक सल्ह वसलम या जितने भी पिछले अम्बिया कराम गुजरे उन सब ने इसी चीज़ पे फोकस किया कि हमें दूसरों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े इसके साथ साथ कुरान पाक में ये भी बात शेयर की गई है कि आपने नॉलेज को आगे फॉरवर्ड करना है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी अम्बिया का थे उन सबका जो बेसिक मकसद था वन ऑफ द बेसिक गोल्स ऑफ देयर लाइफ या फिर वन ऑफ द वन ऑफ द मोटिव्स ऑफ देयर लाइफ वाज वर टू स्प्रेड इंफॉमेशन जो भी कुरान पाक में इंफॉमेशन लिखी है जितनी भी आसमानी किताबें हैं उनमें जो अल्लाह ताला ने फरमाया है वो इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचाई गई है और जो बुद्धा का कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ को सेकंड uh, करता है और उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हमें इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचानी है अगर आपके uh, आप खुश हैं तो आपने उसको स्प्रेड करना है उसी खुशी को अगर आपको के पास कोई इंफॉर्मेटिव नॉलेज है तो वो आपने आगे तक शेयर करनी है इससे आपकी रोशनी में कमी नहीं आएगी बल्कि आप उस रोशनी को आगे फैला रहे हैं और कुरान पाक में भी इसी चीज़ की इसी बात पर ज्यादा मुनहसर है कि इल्म आपने दूसरों तक पहुँचाना है अपने तक महदूद नहीं रखना यह आपकी जिम्मेदारी है जब आपने इंफॉर्मेशन आपको किसी तरह की नॉलेज मिली आपको कोई इन्फॉमेशन मिली और वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए भी तो अगर आप उसको स्प्रेड करेंगे तो उससे आपको भी फायदा होगा दूसरों को भी अगर हम उसको डेली लाइफ के एग्जांपल में देखें कि अगर आपको कोई लेक्चर है जो कि आसानी से समझ आया हुआ है और दूसरे स्टूडेंट्स को वो मुश्किल लग रही है समझ आने में तो आप उनकी हेल्प करें उनको गाइड करें अगर आपने उनको गाइड किया तो उससे आपकी नॉलेज में कमी नहीं आएगी बल्कि आपसे जब वो सवाल करेंगे आपके को वर्कर्स या को स्टूडेंट जो आप को क्लास फेलोज अगर आपसे सवाल करेंगे तो उन सवालों से भी आपका ब्रेन और ज़्यादा शार्प होगा आप उसके बारे में और सोचेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का आपको भी फायदा है कि आपकी नॉलेज में और इजाफा होगा और ये भी हो सकता है कि जब आप अपने क्लास फेलो से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करो तो वो दूसरा आपको और इन्फॉर्मेशन दे नॉलेज दे, में इजाफा करेगा so, ये आप, आप तो ये टू है। तो मिलेगी जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर माइंडफुलनेस बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट साइकोलॉजी से ज्यादा बुद्धिज्म Be and let them go. Yani, uh, हर चीज को आपनेट ओर रहना है और लेट 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 दिंग्स को अपने रास्ते पे वो खुद ब खुद हर चीज अनफोल्ड होके जैसा होना है वैसा होना शुरू हो जाएगा और आप उस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे आप मेरी और वीडियोज भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे ची एनर्जी के एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वो पॉजिटिव एनर्जी ना कि सिर्फ आपको हेल्प करेगी

एंड uh, आपको एनजाइटी से डिप्रेशन से uh, जो है छुटकारा भी मिल सकेगा अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचें तब भी हमें स्ट्रेस होता है अगर हम पास्ट के बारे में सोचें तब भी हमें स्ट्रेस होता है और ये दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है हमारे कंट्रोल में क्या है प्रेजेंट हम उसको बेहतर करें तो हमारी अटेंशन जो होनी चाहिए वो टू प्रेजेंट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हमारी जो इर्द गिर्द की जो चीज़ें मौजूद हैं हमने उसको एक्सेप्ट करना है

तो मुख्त फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस जिस तरह सिचुएशनल स्ट्रेस है कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको आपको स्ट्रेस हो रहा है और वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसका कुछ नहीं कर सकते या फिर एंटीसिपेटरी स्ट्रेस क्या होगा फ्यूचर के बारे में सोच के आपको स्ट्रेस हो तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए एनजाइटी से बचने के लिए यू शुड लिव इन ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट माइंडफुलनेस की डेफिनेशन क्या है इट इज एन अवेयरनेस ऑफ वंस इंटरनल स्टेट्स एंड सराउंडिंग माइंडफुलनेस कैन हेल्प पीपल अवॉइड डिस्ट्रक्टिव और ऑटोमेटिक हैबिट्स एंड रिस्पांसिस ब लर्निंग टू ऑब्जर्व देयर था इमोशन एंड अर प्रेजेंट और एक्सपीरियंस विदाउट जजिंग और रिएक्टिंग दैम जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि एक्सेप्टेंस और क्या है कि कोई भी चीज़ जो अकर कर रही है हमने उसको एक्सेप्ट करना, करना है एज इट इज और उसको डील करने की कोशिश करनी है फॉर एग्जाम्पल वेन यू ईट यूर फेवरेट फूड टेक अ टाइम टू स्मेल टेस्ट एंड ट्रूली एंजॉय इट हमारे पास जो आ, आ, हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं हम हम उसकी इम्पोर्टेंस को पॉर्डो कर देते हैं और जो हमारे पास चीज मौजूद नहीं होती हम उसके बारे में स्ट्रेस लेते हैं अगर आप अपना कोई फेवरेट खाना खा रहे हैं तो इसको एंजॉय करें उसकी स्मेल उसके टेस्ट को एन्जॉय करें प्रेजेंट में रहें तो आप तो माइंडफुल लोग जो होते हैं वो प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं और माइंडफुल टेक्निक्स माइंडफुलनेस की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि थैरोप्यूटिक इंटरवेंशन में भी इस्तेमाल होती हैं खासतौर पर स्ट्रेस रिलेटेड और एनजाइटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की टेक्निक से बहुत अच्छे से डील हो सकती हैं अब टाइप ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन थेरेपीज कौन कौन सी हैं एक है माइंडफुलनेस बेस्ड रिडक्शन थेरेपी और दूसरी है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्नेटिव थेरेपी माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी में आपको ग्रुप फॉर्म में जो मेडिटेशन करवा रहा है बंदा जो एक्सपर्ट है वो ग्रुप फॉर्म में आपको टेक्निक्स के जरिए रिलैक्सेशन के जरिए और टेक्निक्स के जरिए आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेगा और ये सेशंस जो होते हैं वो वीकली बेसिस पे भी हो सकते हैं और वो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेशन भी करवाए जा सकते हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और फिर आप उसको अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए और एफिशिएंसी आपकी बेहतर हो जाए ऑन द अदर हैंड जो माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी है उसमें डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है जिसमें थेरेपी के काउंसलिंग uh, के साथ साथ uh, या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज को इस्तेमाल किया जाता है अलॉन्ग विद मेडिटेशन और नेगेटिव थॉट्स को डील करने की मुख्तु टेक्निक्स बताए जाते हैं जैसे एफॉर्मेशन एक टेक्निक है जिसमें आपके कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक भी यूज हो रही है और मेडिटेशन या माइंडफुलनेस uh, की भी टेक्निक इस्तेमाल होती है मिसाल के तौर पर uh, अगर आपको कोई स्ट्रेस फुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम uh, है जिसको आपको डील करना है जिसकी वजह से आपको एनजाइटी का मसला आ रहा है तो माइंडफुलनेस और बेस्ड कॉम्ब्रेव थेरेपी में आपको कहा जाएगा कि आप अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें करेंशन के जरिए मिसाल के तौर पर आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम एबल ईगर टू डील द इफेक्टिवली या मैं हमेशा इस मसले को हल कर लेती हूँ अपने अपनी जो थॉट्स हैं उनको भी प्रेजेंट है इन्हें, इन्हें हम कहते हैं affirmations. तो ये आपके को भी हिट कर रहा है और जब आप उसको मिक्स करेंगे with meditation technique मिसाल के तौर पे डीप uh, ब्रीदिंग के जरिए तो आपको डीप ब्रीदिंग के जरिए थेरेपिस्ट सिखाएगा कि हाउ टू यूज डीप ब्रीदिंग तो ये दोनों मिक्सचर ऑफ टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जा सकती हैं डिप्रेशन या मुख्तल स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में अब बेसिक अप्रोच टू मेडिटेशन क्या है सिंपल सी टेक्निक है क्लोज योर योर आईज टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ पे मोर अटेंशन टू टू सिंपल प्लेजर्स इन इन लाइफ ट्राई बी द मोमेंट मेरी दो मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं जो कि आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन के जरिए कैसे आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अब कुछ रिसर्चर्स ने भी ये बताया कि माइंडफुलनेस की जो टेक्निक्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम्स को डील करने में इफेक्टिव होते हैं और उनकी बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बेहतर होना शुरू हो जाती है यानी उनका स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो फिजियोलॉजिकल या मेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को और माइंड को उसको वो डील करता है इफेक्टिवली जो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में और ब्रेन स्कैंस ने भी यही शो किया कि एट वीक्स ऑफ माइंडफुलनेस टेक्निक्स की वजह से लोगों में एनजाइटी uh, कम होना शुरू हो गई और दे बिकम मोर हेल्दी अब कुछ और प्रूवन बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन रिसर्च बेस्ड मैं आपके साथ शेयर करती हूं मिसाल के तौर पे ग्रुप माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक फॉर पीपल विद जीएडी और पैनिक डिसऑर्डर एंड हेल्प दीस पीपल मेंटेन देयर इंप्रूव्ड कंडीशन कैबडसिन 92 में एक स्टडी हुई थी जिसकी ये फाइंडिंग्स है इसके अलावा पेरिनी 2021 में एक रिसर्च हुई थी जिसका ये रिजल्ट था it helps 50 to 80 years people to deal with their sleep, sleep disorders, or sleep problems, effectively. scale uh, check in 2021 um, ki ek, uh, study has a result. that mindfulness training in schools can improve kids' behavior and well-being. research, kreswilniketi 2019 mein, according to which mindfulness programs can improve chronic pain management. preliminary evidence suggests they could improve outcome for stress-related diseases. अब माइंडफुलनेस क्या होती है इट इज एन एक्टिव सर्च फॉर नॉवेल्टी जो चीज लायक कर रही है लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे होते तो हमें नॉवेल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है उसको एंजॉय करना है दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस अब कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी माइंडफुलनेस की एक होती है ट्रांजेंडल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसमें टेक्निक बताई गई है कि आपको सिंपली कहा जाता है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं चेयर पे टेक लगा के आपकी फिंगर uh, फिंगर्स finger, uh, uh, जो है ओपन होनी चाहिए आपके कोई रिस्ट वॉच या कोई ऐसी चीज जो टाइट है वो आपने रिमूव करनी है फिर आपने कंफर्टेबली बैठना है और फिर साथ साथ क्वाइट सिचुएशन में आपने अपनी uh, uh, अपनी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करना है और एक मंत्रा जो कि बोला गया है इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि आप कोई सा भी अ uh, अफर्मेशन की कोई मंत्रा दिया जाता है थेरेपिस्ट की तरफ से जो कि वो मेडिटेशन के जरिए इस्तेमाल किया जाता है ये पूरी टेक्निक आपको इसमें मेंशन की गई है कि कैसे अप्लाई होती है अब सिक्स टिप्स टू हेल्प यू स्टार्ट मेडिटेटिंग आपने डी ब्रीदिंग पे फोकस करना है इमोशंस आईज आर्म्स लेग्स एंड टाइम किस तरह आपने उसको मैनेज करना है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जैसे मेडिटेशन रिमाइंडर Uh, इस तरह के कुछ और भी आपको प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट अपेश मिल जाएंगी जिसके जरिए आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अब अगर आप डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करें तो आपने ब्रशिंग योर टीथ यानी अपनी cleanliness का ख्याल करना है प्रेजेंट ओरिएंटेड रहना है साइलेंस में ड्राइविंग करें कामिंग म्यूजिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैं इवन ये भी करती हूँ कि जब मैं ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा होता है तो मैं रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाती हूँ और साथ साथ अपना काम करती हूँ डूइंग द डिशेज और लॉन्ड्री अगर आप करेंगे तो फिर क्लीनेस से भी आप रिलैक्स फील करेंगे किड्स के साथ आप टाइम गुजारें एक्सरसाइज करें तो इससे आप रिलैक्स हो जाएंगे और ये अपनी डेली लाइफ का आप हिस्सा बना सकते हैं अब ब्रीदिंग मेडिटेशन में क्या होता है डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट इसके जरिए आपको ब्रीदिंग के जरिए मेडिटेशन के सेशन करवाए जा सकते हैं आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए कि हाउ टू मेडिटेट यूजिंग डीप ब्रीदिंग डॉक्टर एंड्रयू वेल ने ब्रीदिंग की टेक्निक बताई जिसमें वही एक सेम टेक्निक है कि यू शुड डीप ब्रीद आपका लंग्स एम्प्टी फील होना चाहिए देन uh, आपने इनहेल करना है फोर सेकेंड्स और देन एक्सहेल करना है सेवन सेकेंड होल्ड योर ब्रेथ फॉर सेवन सेकेंड्स एंड देन एक्सहेल इस तरह करके आपने इनहेल एक्सहेल के टाइम को मैनेज करना है इसी तरह जो है ये टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि बहुत इफेक्टिवली आपको हेल्प करेगी अब माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होती है द एम ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ डीप इनसाइट इनटू द नेचर ऑफ मेंटल प्रोसेसेस कॉन्शियसनेस आइडेंटिटी एंड रियलिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमल स्टेट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलविंग एंड कॉन्शियसनेस अब इसकी टेक्निक्स क्या है माइंडफुलनेस मेडिटेशन की इट इज ऑल अबाउट रिमेनिंग इन द प्रेजेंट और आपने डीप ब्रीदिंग और मुख्तुलाइजेशन टेक्निक्स के जरिए अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जो कि मैंने आपको क्लास में भी एक दफा प्रैक्टिस करवाई थी कि तरह विजुअलाइजेशन टेक्निक है जिसमें आपको डीप ब्रीदिंग के जरिए बताया जाता है जो थेरेपिस्ट है या जो मेन उसको लीड कर रहा है सेशन को उसमें आपको विजुअलाइजेशन म्यूजिक इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ साथ विजुलाइज किया जाता है कि आप एक ग्रीन एरिया में मूव कर रहे हैं हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है बर्ड्स आर चेयरपिंग और आप रिलैक्स इन्वामेंट में इस तरह करके एक पूरा सीन क्रिएट किया जाता है और डीप ब्रीदिंग और एफर्मेशन साथ इस्तेमाल की जाती है तो ये भी विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो कि आपको मेडिटेट करने में हेल्प करेगी ग्रेटिट्यूड एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है टू तो डील विद योर डेली स्ट्रेसेस और ग्रेटिट्यूड में मुख्तलि टेक्निक्स हैं मिसाल के तौर पर जर्नलिंग जिसमें आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके आप शुक्र गुजार हैं आप वो लिस्ट डाउन करते हैं और आप उसको रिव्यू करते हैं ऑन डेली बेसिस ग्रैटिट्यूड की मुख्त और भी टेक्नीक हैं जैसे जेन टेंगल या जेन आर्ट जिसमें आर्ट के जरिए कलर्स के जरिए आप रिलैक्स फील करते हैं लाइफ इन्हांसिंग स्ट्रैटेजीज कुछ हैं लव सराउंड योर सेल्फ विद हैप्पी टेल your क्लोज वन दैट यू लव दैम ये आपने बोला तो आप तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिलेशनशिप्स में आप वर्क इन्वॉमेंट में हैं तो आप पॉजिटिव uh, कोई चीज़ कर सकते हैं मिसाल के तौर पर पॉजिटिव बातें बताएं पीयर्स के बारे में कि आप में ये अच्छी क्वालिटी है या आप होम मेड ट्रीट्स ऑफिस लेकर जा सकते हैं प्ले एंगेज इंड प्लेक्टिविटीज दैट रिमांड यू ऑफ चाइल्ड हुड ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं टू बी माइंडफुल एंड टू बी पॉजिटिव

अब इसके बेनिफिट्स क्या है इट हेल्प इम्प्रूव मूड अटेंशन एंड क्वालिटी इट कैन बी प्रैक्टिस आपको हेल्पफुल हुई होंगी ये सारी इंफॉर्मेशन और आप मेरी और भी वीडियोज हैं जिसमें आप टेक्निक्स uh, uh, देख सकते हैं हाउ टू कोप विद स्ट्रेस जो कि आपको हेल्पफुल टू तो बी माइंडफुल इसके अलावा मेडिटेशन के दो मेरी वीडियोस हैं जो कि आप रिव्यू कर सकते हैं हाउ टू डी ब्रीद हाउ टू विजुअलाइज और इसके अलावा ची एनर्जी क्या होती है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं मेरी वीडियोस में थैंक यू सो मच